गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मेरा नाम है रीना और आज मैं आपके साथ में मेरा ये वाला फेस्टिव मेकअप लुक जो है ये शेयर करूंगी। तो गाइस ये जो मेकअप लुक है ना ये बहुत ही ज्यादा एथनिक इंडियन फेस्टिव रेडी मेकअप लुक है और मैंने यहाँ पे जो ये मेकअप किया है ये मैंने किया है 10 to 15 minutes के अंदर में। तो लाइक जैसे हमें जब जल्दी जल्दी तैयार होना होता है, हमारे घर में पूजा भी होती है, फंक्शंस भी होते हैं और हमें ही ऑलमोस्ट सारे काम करने होते हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से आप फेस्टिव रेडी हो सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने इस वीडियो में जो है मेकअप करते हुए कोई भी मेकअप ब्रश यूज़ नहीं किया है। तो मैंने ना तो फाउंडेशन के लिए ब्लेंडर यूज़ किया है, ना मैंने अपने आई मेकअप के लिए आई शेडो के जो ब्रशेज आते हैं मैंने वो भी यूज़ नहीं किया है। तो सब कुछ जो है हम अपने हाथों से करने वाले हैं और 10 to 15 minutes के अंदर आप अच्छे से रेडी भी होने वाले हैं, जिसमें मैंने अपना स्किन केयर रूटीन भी ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का बटन है, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट एक बेल आइकन आएगा, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे मेरी सारी वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेकअप करने से पहले अपने फेस की क्लेंजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मैंने 10 टू 15 मिनट्स पहले अपने फेस को वॉश किया था, क्योंकि अभी 10-15 मिनट्स हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ओलिविया का क्लेंजिंग मिल्क टू क्लीन माई फेस। आपके पास कोई भी क्लेंजिंग मिल्क है आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 10 टू 15 मिनट्स का टाइम हो गया है फेस को वॉश किए हुए। ये अच्छे से अपने फेस के ऊपर अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉटन और इससे मैं अपने फेस को अच्छे से वाइप ऑफ कर दूंगी। तो अगर कुछ रह गया होगा फेस पे तो वो मेरे कॉटन के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अगर 10 टू 15 मिनट्स हो जाते हैं ना फेस को वॉश किए हुए तो कुछ कुछ ऑयली स्किन के ऊपर तो हो ही जाता है, तो लाइक मेरी तो ऑयली स्किन है तो मैं तो हमेशा ये स्टेप जरूर करती हूँ। तो गाइज आज मैं टोनिंग के लिए यहाँ पे बायोटेक का 4 टाइपिंग कुकुम्बर यूज कर रही हूँ। देखिए मेरी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के साथ में ये वाला टोनर जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो उसको एक कॉटन के ऊपर ले लेंगे हम और इसको अपने फेस के ऊपर डैब डैब करके जो है आपको अप्लाई करना है लाइक दिस। पोर्स को अच्छे से श्रिंक करता है, टाइट करता है, तो इसको जो है आपको अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। टोनर को जो है हम ड्राई करेंगे और जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है। तो देखिए अभी टोनर जो है ये मेरी स्किन के अंदर अच्छे से जा चुका है, तो अब हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। तो अब जो है मैं मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी स्किन को यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। अगर तो गाइस अभी मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। तो गाइज मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। यहाँ पर ये है मेरे पास ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम, ये कुछ इस तरीके से आपको मिलता है और ये ना हल्का सा पिंक टिंट भी देता है आपके लिप्स को और अच्छे से मॉइस्चराइज भी करके रखता है, क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है तो लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं और जब तक लिपस्टिक आप लगाने चलोगे ना तब तक कुछ कुछ ड्राई पैचेस लिप्स के ऊपर आ जाएंगे और लिपस्टिक और आपके लिप्स उतने ज्यादा स्मूथ, उतने ज्यादा जूसी नहीं लगेंगे। तो लिप्स को जो है पहले अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। अब जो है हम लगाएंगे प्राइमर। तो मेरे पास ये है लैक्मे का एब्सोल्यूट प्राइमर, ये मिनी पैक है उसका क्योंकि मैंने ट्रायल बेसिस पे मंगाया था और ये ब्लर परफेक्टिंग मेकअप प्राइमर है। तो ये क्या करता है आपकी स्किन के पोर्स को हाइड कर देता है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो, ऐसे भी बहुत सारे मुझे कमेंट आए थे पहले एक बार। तो अगर आपके पास प्राइमर नहीं है ना तो आप एलोवेरा जेल लगा लो, वो बेस्ट होता है। तो मैंने इसको जो है डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इस तरीके से लगाना है एंड देन हम क्या करेंगे इसको हल्के हाथों से इस तरीके से डैब करते हुए इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको जो है आपको डैब करना है इस तरीके से और प्रेस करते हुए अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। That's it. तो मैं सीधे अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ यहाँ पे फाउंडेशन और आज जो है मैं कोई भी यू नो ब्रश और स्पंज का यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं सीधे डायरेक्ट फाउंडेशन जो है वो हाथ से ही ब्लेंड करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फाउंडेशन लूंगी, आपके पास कोई भी फाउंडेशन है ना आप वो यूज कर सकते हो। मेरे पास जो ये वाला फाउंडेशन है ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का और ये ना लिक्विड फाउंडेशन है, तो ये ब्लेंड होने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। तो आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हो, मैंने बहुत कम ली है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं ली है क्योंकि हम हाथ से इसे ब्लेंड करेंगे। तो इसको इस तरीके से ही हम डैब डैब करते हुए पूरे फेस के ऊपर जो है अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है मेरी स्किन में। तो इसके बाद जो है हम अप्लाई करेंगे कंसीलर
आज जो है मैं यहाँ पे कंसीलर भी इनसाइड कॉस्मेटिक का यूज कर रही हूँ। इनके जो प्रोडक्ट है ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं स्किन में, तो मुझे इसलिए ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये एक्चुअली मेरे डार्क स्पॉट को हाइड करेगा। तो जैसे यहाँ पे एक मुझे पिंपल हुआ अभी रिसेंट में, मैं यहाँ पे इसको हल्का सा लगाऊंगी सेंटर ऑफ नोज पे, साइड्स में लगाएंगे। अगर आपको डार्क स्पॉट ज्यादा है तो लगा सकते हो आप, और इस एरिया पे लगाएंगे हल्का सा, चिन पे लगाएंगे, दैट्स इट। अब अगेन इसको जो है हम ब्लेंड करेंगे हमारे हाथों के साथ में। तो मिरर के सामने आपको रहना है एंड देन इसको हल्के हाथों से इसी तरीके से डैब डैब करके देखते हुए अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि आपको पता रहे कि आपकी स्किन के अंदर ये ब्लेंड हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है, लाइक मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे मिरर में, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है। इसलिए मुझे ये वाला कंसीलर जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है। तो लाइक अभी देखिएगा आप, तो जब भी हम ना कंसीलर अप्लाई करते हैं फेस के ऊपर, तो ये जो आपका हाईलाइटिंग वाला जो एरिया होता है ना, सिर्फ इसको डैब आपको वहीं करना है जहां पे आपको हाईलाइट करना है। तो लाइक अब मैं यहाँ पे भी इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी, सेम अगेन मैं नोज के ऊपर भी करूंगी। मैं डैब कर रही हूँ, ड्रैग नहीं कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको जो है डैब करना है, मतलब इस तरीके से करते हुए अच्छे से स्किन के अंदर ब्लेंड करना है। तो ये देखिए ये अच्छे से जो है ब्लेंड हो चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने मेकअप को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के लिए आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हो, आप टेलकम पाउडर भी यूज कर सकते हो अगर कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है। मेरे पास यहाँ पे सेम इनसाइड कॉस्मेटिक का ही है ये फ्लॉलेस मैट फिनिश HD ट्रांसल्यूशन पाउडर, तो मैं इसका यूज कर रही हूँ यहाँ पे। इसके साथ में ना ये स्पंज एप्लीकेटर आता है, तो लाइक आप इसे कॉम्पैक्ट के तरीके से भी यूज कर सकते हो इजीली। तो मैंने इसको लिया है हल्का सा, मैंने इस तरीके से लेके ना हल्का सा इसी के ऊपर डस्ट आउट कर दिया था, एंड देन अब हम इसे अप्लाई करेंगे जहां पे हम कंसीलर अप्लाई करते हैं उस एरिया में। तो आपने देखा मैंने आईज के पास कंसीलर अभी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे उतना ज्यादा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको है तो प्लीज कंसीलर जरूर अप्लाई कीजिएगा अपने इनर कॉर्नर्स एंड आउटर कॉर्नर्स पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने हल्का सा डैब करते हुए इस तरीके से आपको कॉम्पैक्ट अपने फेस के ऊपर लगाना है। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप में मैं अपनी आईब्रोज को जो है फिल करूंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड की कोई पेंसिल नहीं ले रही हूँ, ये सिंपल सी मेरे पास एक आईब्रो पेंसिल है, ये कुछ इस तरीके से मिलती है, तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए। आप कोई भी पेंसिल का यूज कर सकते हो, किसी भी ब्रांड की पेंसिल का यूज कर सकते हो। क्रीम बेस्ड है तो बस उसको आपको जो है कॉम्पैक्ट से बाद में थोड़ा सा सेट करना रहता है। तो हल्के हल्के से स्ट्रोक लेते जाएंगे एंड देन अपनी आईब्रोज को हम इससे अच्छे से फिल कर लेंगे। तो नाउ अभी मैंने आईब्रो पेंसिल लगा ली है, मैं इसके बाद जो है हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, सॉरी आई मीन ट्रांसल्यूशन पाउडर ले रही हूँ। मैं इसको हल्का सा अपनी आईब्रोज के ऊपर लगा के टैप करूंगी, ताकि ये अच्छे से जो है फिक्स हो जाए एक जगह पे। एंड देन इसके बाद जो है मैं एक बार और अपनी आईब्रोज के ऊपर जो है पेंसिल लगाऊंगी, ताकि एकदम फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आपकी आईब्रोज के ऊपर आए। तो ये एक हैक मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे आपके ना एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जब भी हम आईब्रो पेंसिल लगाते हैं थोड़ी देर के बाद आपने देखा होगा वो हट जाती है, तो हट जाती है तो आप यहाँ पे ये हैक ट्राई कर सकते हैं। एक तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से आपकी आईब्रो काफी नेचुरल लगेगी, लाइक अभी मेरी दिख रही होगी आपको आईब्रोज, ये देखिए। तो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के इसको अच्छे से सेट कर लिया। अगर लग रहा है आपको कि थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट है इसको फिल इन करने की, तो आप इसे दोबारा फिल इन कर सकते हो। तो मैं एक बार और करूंगी, क्योंकि ये इसको ना एकदम लॉन्ग लास्टिंग बना देता है और एकदम इंटैक्ट कर देता है एक ही जगह के ऊपर, तो ये बिल्कुल भी क्लीन होती नहीं है ऐसे। तो दैट्स इट। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं मैंने आईब्रोज को भी फिल कर लिया है। अब इसके बाद गाइज आईब्रोज के बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करी स्विस ब्यूटी का ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो इसके अंदर जो शेड है ब्लश, पिंक शेड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला मैं इसको अप्लाई करूंगी। तो अगेन इसको जो है मैंने अपने 3 फिंगर के ऊपर लिया है, हल्का सा इस तरीके से और हल्का सा इस तरीके से लगाएंगे। तो जब भी हम ब्लश लगाते हैं तो याद रखिए यहां से लेके यहां तक जाता है आपका ब्लश, यहां से लेके यहां तक जाता है। तो 3 फिंगर ऐसे, 3 फिंगर ऐसे, 3 फिंगर ऐसे और 3 फिंगर ऐसे। अब इसको आपको जो है ब्लेंड करना है अच्छे से। तो लाइक मैंने जो हाथ पे लिया था ये थोड़ा एक्सेस हो चुका है, तो इसको आप किसी भी कपड़े के साथ में जो है इसे वाइप ऑफ कर लीजिए और क्लीन हाथों से हल्का सा इस तरीके से करेंगे। सेम इधर भी।
तो अभी जो है ब्लश भी मेरा अच्छे से अप्लाई हो गया है, ये देखिए बच्चा कुछ आजकल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोज पे लगा दिया, हल्का सा एक पिंक टेंट आ जाएगा नोज के ऊपर। तो अब लगाएंगे हम हाइलाइटर, तो हाइलाइटर के लिए जो ये वाला शेड है मैं ये यूज करूंगी, तो इसको मैंने लिया है इस तरीके से अपने फिंगर के ऊपर एंड देन इसको मैं यहाँ से हल्का सा और यहाँ तक अप्लाई करूंगी। तो एक शाइन ऐड कर देता है आपके फेस के ऊपर हाइलाइटर, क्योंकि फेस्टिव मेकअप कर रहे हैं तो उसमें आपको हाइलाइटर आई डोंट थिंक सो कि मिस करना चाहिए। और अपने आईब्रोज के आर्च के ऊपर हल्का सा लगाएंगे, क्योंकि जब आप इस तरीके से लगा लेते हैं ना हाइलाइटर, तो जब हम अपने फेस को इस तरीके से ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो एक नेचुरल ग्लो, एक ऐसी शाइन आपके फेस के ऊपर आती है हाइलाइटर यूज करने से। तो हल्का सा नोज के ऊपर भी लगाएंगे यहाँ एंड देन इस एरिया में, दैट्स इट। अच्छा, गलती से भी ना अपने पिंपल के ऊपर हाइलाइटर को मत अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो पूरे फेस पे कहीं ध्यान नहीं जाएगा किसी का, सिर्फ आपके पिंपल के ऊपर ही जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर भी जो है ये लगा लिया है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अपने आई मेकअप की। तो ऑलमोस्ट मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया है, मुझे तो ऐसे ही अपना फेस जो है बहुत प्यारा लग रहा है, बट फिर भी हम आई शेडो भी लगाने वाले हैं आज। आई शेडो के लिए मेरे पास ये वाला रोडा हिलेरी का कलरफुल सा ये पैलेट है जिसका मैं यूज करूंगी, और इसको भी अगेन हम फिंगर से ही लगाने वाले हैं। तो मेरी साड़ी का यहाँ पे कलर है पिंक एंड ऑरेंज, तो आप अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग जो भी कलर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ, पिंक एक ऐसा शेड है जो हर साड़ी के साथ में, हर कलर के साथ में आई मेकअप में चला जाता है, क्योंकि जो मोनोक्रोमेटिक लुक होते हैं उसमें आपके लिपस्टिक ब्लश और आई का मेकअप सेम होता है, तो वहाँ पे वो लुक वो जो है आपकी सिमेट्री के साथ में मैच हो जाता है। तो लाइक अभी मेरा तो चलो पिंक साड़ी है ही है, तो मैंने यहाँ पे लगाना है ये वाला पिंक शेड हल्का सा, तो मैं इसको लूंगी अपने इस तरीके से फिंगर के ऊपर एंड मिरर में देखते हुए अच्छे से आपको इसे अप्लाई करना है अपनी पूरी लिड के ऊपर। तो ये हमारी लिड होती है, जो ये बोन से नीचे का जो पार्ट होता है ना, इसको लिड कहते हैं। तो इसको आप फिंगर से अच्छे से लगा लीजिए, ब्रश लगाने ब्रश से जो है ब्लेंड करने में काफी टाइम लगता है, बट फिंगर से जो होता है बिल्कुल इंटैक्ट लगता है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता है, तो आप इसको फिंगर से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है और बड़ा प्यारा सा पिंक कलर जो है मेरी आईज के ऊपर आ चुका है। तो देन अगेन, सो गाइस पिंक शेड अभी मैंने आईज के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं ये देखिए फिंगर से बहुत अच्छे से जो है लग जाता है, ब्लेंड करने का ज्यादा झंझट नहीं रहता है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये मिस क्लेयर का गोल्डन कलर का मेरे पास लाइनर है, मैं इसका यूज कर रही हूँ, और इसको जो है मैं लगाऊंगी सिर्फ सेंटर ऑफ लिड के ऊपर, पूरी लिड पे आपको अप्लाई नहीं करना है। जब मैं लगाऊंगी तो आप देख लीजिएगा, सिर्फ हल्का हल्का सा आपको यहाँ पे सेंटर के ऊपर लगाना है इसको, ठीक है, इस तरीके से हल्का 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 करते जाएंगे, तो बहुत प्यारा एक इफेक्ट क्रिएट होता है इस तरीके से ना। ये देखिए, तो पिंक और गोल्डन का जो ये मैच होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है अच्छे से लगा लिया है, और इसके बाद मेरे पास ये है स्टेक और की काजल, जिसको मैं अपने लोअर लैश लाइन के ऊपर जो है अप्लाई करूंगी। भी अगेन मेरे पास अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल है ये इनसाइड का लाइनर, अच्छा लाइनर है, मतलब आई मीन 4-5 आवर्स तक आराम से स्टे करता है आपके आईज के ऊपर, और इसका जो वॉन्ट है ना ये बहुत पतला है, बारीक है, तो बहुत एक प्यारा सा लाइनर आप इससे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इससे अब जो है लाइनर लगाऊंगी, तो मैंने जो लाइनर लगाया ना ये बस मैंने अपनी आई की शेप में ही ड्रॉ किया है, कुछ ऐसा नहीं कि विंग लगाया है या कोई और शेप लगाया, नहीं, जो आपके आई की शेप है बस उसी को फॉलो करते हुए आपको। तो गाइस मैंने लाइनर भी जो है अभी अप्लाई कर लिया है, तो काफी अच्छा सा एक लुक आ रहा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज अपना मेकअप, ज्यादा हैवी भी नहीं है और फटाफट से होने वाला भी है। तो आप इस तरीके से भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप तैयार हो सकते हैं। तो मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, बट हल्का सा जो मुझे कमी दिख रही है वो मुझे दिख रही है मेरी ब्राउ बोन्स के नीचे, तो मैं इनको भी हाईलाइट कर लूंगी। अगेन मैंने फिंगर पे लिया थोड़ा सा हाईलाइटर और मैं यहाँ पे इसे हल्का सा अप्लाई करूंगी एंड देन यहाँ पे इसको हल्का सा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपनी आईब्रोज को भी हाईलाइट कर लिया, तो अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे लिपस्टिक, अगेन ये भी इनसाइड कॉस्मेटिक की तरफ से आती है, और ये है इनका पिंक
शेड, पहले मुझे लगा था ये न्यूड शेड होगा जब मैंने इसको साइट पे देखा था ऑनलाइन अमेज़न पे, बट ये न्यूड शेड नहीं है, ये हल्का सा पिंक, नॉट न्यूड बट बहुत प्यारा सा कलर आता है जब आप इसे अप्लाई करते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो भी ये स्टे करती है काफ़ी देर तक आपके लिप्स के ऊपर, तो मैं इसको अब अप्लाई करूँगी। तो मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है मॉल्टन पिंक कलर, तो यहाँ पे जो शेड है मेरा 25 मॉल्टन पिंक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये इनसाइड कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मेकअप मेरा जो है ये फिनिश हो चुका है, अब बस आपको ऐड करना है कुछ ज्वेलरी, इस एंटायर लुक को कम्प्लीट करेंगे विद दिस पिंक बिंदी। तो गाइज दैट्स इट, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ इस तरीके से आप मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, और ये बस फटाफट से होने वाला मेकअप लुक है, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है, तो